गाजीपुर के रजदेपुर में बुधवार को संचारी रोग यानी संक्रामक रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई। सदर विधायक संगीता बलवंत ने फीता काटकर इस अभियान की शुरुआत की। आपको बता दें कि बारिश के मौसम में संक्रामक रोगों का खतरा और भी बढ़ जाता है, ऐसे में प्रशासन ने पहले ही रोगों से बचाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। आइए देखते हैं कि इस मौके पर सदर विधायक संगीता बलवंत ने क्या कहा। जैसा आप लोग भी जानते हैं कि इलाज से अच्छा बचाव होता है, तो हम लोग पूरी अपने जागरूकता के साथ जितनी हमें जानकारी है कि किस तरह हम रोगों से बच सकते हैं, उन चीज़ों का हमें पालन करना चाहिए। जैसा कि अभी आपके बीच में जिलाधिकारी महोदय जी ने भी कहा कि हमें अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना है, कहीं पानी नहीं लगने देना है, कहीं कोई गंदगी नहीं लगने देना है, और यह केवल हम दूसरों से अपेक्षा न करें कि कोई दूसरा आएगा और हमारे आसपास की गंदगी को साफ करेगा या जो जल जमाव लगा है उसे दूसरा कोई साफ करेगा। वो उम्मीद हम दूसरों से करें, इससे पहले अच्छा है कि अपने जीवन के लिए जो हमारे आसपास जहाँ भी हमें गंदगी दिख रही है, अपने घर में या अपने घर के सामने या अपने घर के अगल बगल में, तो उसे हम स्वयं से भी साफ करें। जब हम स्वयं से साफ करेंगे अपने घर को और अपने घर के बाहर के वातावरण को भी स्वच्छ रखेंगे, तो निसंदेह जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं संचारी जो रोग होते हैं, जो छुआछूत से संक्रमण से फैलते हैं, उनसे हम काफ़ी हद से अपने आप को बचा सकते हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के बाद जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य, CDO श्री प्रकाश गुप्ता, CMO डॉक्टर GC मौर्य ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया। इसके अलावा फॉगिंग टेम्पो को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर पूर्व अपर CMO डॉक्टर RK सिन्हा, अपर CMO डॉक्टर DP सिन्हा, डॉक्टर KK वर्मा, दीपक राय व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल रहे। इस मौके पर जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने भी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शामिल लोगों, फ्रंटलाइन वॉरियर्स, सफाई कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों सबका शुक्रिया कहा। संचारी रोगों को लेकर भी जिलाधिकारी ने अपनी बात रखी। उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के उपाय भी बताए, आइए सुनते हैं। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि संचारी रोग के साथ सभी लोगों को मालूम है कि बारिश के दिनों में बहुत तेजी से संचारी रोग फैलते हैं। कैसे संचारी रोगों की रोकथाम की जाए, उसकी रूपरेखा क्या होगी, क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत रहती है, इन सब पे विस्तृत रूप से विचार विमर्श होगा और एक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्वच्छता का एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा जिससे इस महामारी से बचाव के लिए, जहां एक ओर बचाव से कैसे अपने आप को जोड़ा जाए, कैसे जनमानस आने वाली बीमारियों से अपने आप को बचा सके, और अगर किसी को संक्रामक रोग हो जाता है तो उसका उपचार कैसे हो सके, इस दिशा में सारे लोग बैठ कर के विचार विमर्श करेंगे। देखिए, ये जो संचारी रोग है इसको इस तरह से समझ लिया जाए कि जब हमारे वातावरण में नमी होती है, ऐसे में जो विषाणु हैं, जो जीवाणु हैं, वो बहुत तेज़ी से पनपते हैं। सबसे पहला प्रयास ये करना होगा कि हमारे आसपास का जो वातावरण हो वो बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। कहीं पे अगर जल जमाव हो रहा है तो जल जमाव के निकासी की व्यवस्था कर दी जाए, चाहे वो पंचायतों में हो, चाहे वो नगरीय क्षेत्रों में हो, पानी हमेशा बहते हुए आगे निकल जाए, ये व्यवस्था सुनिश्चित करानी होगी। अगर पानी कहीं पे रुकता है तभी जा कर के बीमारी के कारण बनते हैं, यदि पानी बहता रहता है तो उससे बचाव हो जाता है। दूसरा, ये व्यक्तिगत तौर पे भी स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने की ज़रूरत है। आप पानी को इधर आने वाले दिनों में उबाल करके पिए। गाजीपुर की ऐसे ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।